आकाश जी, क्या हरियाणा में जैसे अभी इस विधानसभा में कोई सीट नहीं है तो पिरथला विधानसभा सीट से शुरू करने का इस यात्रा को क्या आपका? देखिए, हमारी हरियाणा में सारी सीटों पे पिछले 4-5 साल से हमारी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारी अच्छे स्तर पे हमारे नंबर्स निकलेंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पिछला विधानसभा से हमने यहाँ पे आकाश जी माना जाए कि आज से आप लोग बीएसपी ने अपने लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है फूंक दिया है, जिस प्रकार से यात्रा शुरू होने आगे भी और प्रदेश में भी ये जाएगी, जैसे हरियाणा में 10 दिन रहेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में। अभी हरियाणा से शुरू कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरे देश में लेके जा सके, बट हर स्टेट में अपना अपना काम किया जा रहा है। हरियाणा में किस पार्टी से आप गठबंधन करने जा रहे हैं? हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने वाले, हमारे लोग हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता खुद अपने आप में इतने सक्षम है कि हम अपने आप से यहाँ पे अपने लोकसभा में सीटों को खड़ा कर पाएंगे। आज 100 किलोमीटर की यात्रा है जी, क्या अलग अलग राज्यों में ऐसे ही 100 किलोमीटर की यात्रा रहेगी या उससे अधिक होगी? देखिए, हर स्टेट में अपने अपने प्रोग्राम लगाए गए हैं, सारे लोग अपने अपने स्टेट्स में अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से, उनके वहाँ के लोगों के हिसाब से वहाँ पे यात्राएं और मीटिंगें रखी जाएंगी। आप भी यूथ आइकन है, तमाम युवा यहाँ देखे जा रहे हैं, क्या लग रहा है बसपा के साथ जो युवा जुड़ा है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है हरियाणा में कि बसपा की सरकार बनाएंगे? देखिए, युवाओं के साथ साथ सर्व समाज में से हर उम्र के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खाली युवाओं की उम्मीद नहीं है, बड़ों की और बुजुर्गों की भी उम्मीदें हैं, हमारी माताओं बहनों की भी उम्मीदें हैं कि दोबारा से बीएसपी को उस स्तर पे लेके जाएंगे कि हम अपने आप को पार्लियामेंट में दोबारा से अपने हकों की बात रख सके। आकाश जी, बार बार तमाम अन्य दल जो है उनकी ओर से बातें कही जा रही हैं कि बसपा के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया हम अकेले लड़ने वाले, तो आपको क्या लगता है कि बार बार स्पष्ट संदेश देने के बाद भी इस प्रकार के बयानबाजी खासकर कांग्रेस की ओर से क्यों की जाती है? देखिए, उनकी इंटेंशन कुछ और है, वो चाहते हैं कि हमारे लोग गुंगराह हो जाएं और इस आड़ में हमारे सभी समाज के लोगों को अलग डायरेक्शन में लेके जाएं, बट बहन जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि हम ये इलेक्शन अपने आप लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्योंकि बीएसपी अपने आप में सक्षम और मजबूत है और अपना इलेक्शन खुद लड़ सकती है। आकाश जी, ये भी कहा जा रहा है कि मायावती पे कोई दबाव है बीजेपी की तरफ से, जांच एजेंसी की तरफ से, इसी वजह से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हो? ये तो आप भी जानते हैं कि दबाव किस चीज का होता है, हमारे समाज के लोगों का समर्थन है इसलिए बहन जी लड़ पा रही है, खड़े हो पा रही है और सबको बोल पा रही है कि हम अपने आप लड़ सकते हैं। किन किन मुद्दों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, बेरोजगारी पे लड़ेगी, हमारे सर्व समाज के लोगों के हकों के लिए लड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लड़ रही है। बहन जी की 4 बार सरकारें रह चुकी हैं और उसमें जो बहन जी ने काम करके दिखाए हैं, बीएसपी की सरकार ने काम करे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर दोबारा से बीएसपी मैदान में उतरेगी। आज किसान धरने पर बैठे हैं, क्या कहोगे? लगातार जो पिछली बार भी 13 महीने का जो आंदोलन चला, आज फिर से किसानों ने आंदोलन खड़ा किया कि बसपा किसानों के समर्थन करेगी? देखिए, इस किसानों के आंदोलन पे बहन जी ने अपनी स्टेटमेंट क्लियर कर रखी है, हम उसी लाइन पे। सर, सोशल मीडिया पे अक्सर आपका जो अब अट्रैक्शन हुआ है उस पे क्या देखा जाए, कितनी पब्लिसिटी मिल रही, कितना टच मिल रहा है लोगों का, यूथ का कैसा टच आ रहा है? देखिए, हमने लास्ट टाइम एक नंबर जारी किया था, उस पे हमें लाखों की संख्या में हमें सपोर्ट मिला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको जल्दी अपडेट देंगे, काफी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग जुड़े हैं हमारे। आकाश जी, ये यात्रा लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए जो आप निकाल रहे हो हरियाणा से? ये यहाँ लोकसभा की है और यहाँ पे हम विधानसभा भी कवर करते जा रहे हैं, तो ये एक जमीनी स्तर पे लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो क्या विधानसभा में, जैसे आपने कहा गठबंधन नहीं होगा, विधानसभा के लिए भी गठबंधन नहीं करेगी पार्टी के? अभी विधानसभा के लिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। आकाश जी, एक नारा बहुत आम दिया जाता है आपकी, उसमें संविधान बचाओ बसपा लाओ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट है नारे में, अपने आप में स्पष्ट है कि भाई बीएसपी को लाइए और संविधान बचाइए। संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इस वक्त, जो बार बार अमेंडमेंट आ रही है, जो आप न्यूज चैनल्स कवर नहीं करते, उसी चीजों से बचाने के लिए बीएसपी हमेशा जमीनी स्तर से खड़ी रही है।